जय श्री महाकाल हरिहर। ह्यूमन कम्युनिकेशन मेथड, मानव की संप्रेषण पद्धति क्या है? मानव का जो जन्म होता है और जो उसका कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होती है, वो किस आधार पे होती है? जो मानव का जो जन्म होता है, मानव का जो जन्म लेता है कोई भी चैतन्य तत्वात्मा, वो जागृत होने के लिए होता है। तो जब वो मानव का जन्म जो लिया उसने, तो मानव पद्धति में उसका सबसे पहला जो काम होता है अस्तित्व को समझना। इस पृथ्वी पे जैसे ही बच्चा बालक आता है, उसका सबसे पहला कार्यक्रम है अस्तित्व क्या है ये समझना, जीवन क्या है ये समझना, मानव क्या है ये समझना। सबसे पहला अध्ययन यही होता है, अध्ययन होना है। अध्ययन में सिर्फ समझना होता है, उसको पक्का शिष्य बनना होता है। ठीक है, पक्का शिष्य बन के ही समझ पाओगे, और समझ पाना होता है। ठीक है, यह होना होता है हर मानव जाति को। ठीक है, जो कि बाहरी विद्यालय में नहीं है, वो विद्या नहीं है। ठीक है, वो तो भौतिक चीजों की शिक्षा हो रही है। ये असली विद्या है, जैसा अस्तित्व है, जैसा वास्तविक सत्यता है, जैसे अखंड ब्रह्मांड सृष्टि है, अस्तित्व है, वैसा ही अध्ययन होना, उसको कहा जा रहा है अस्तित्व की विद्या, जीवन की विद्या, मानव की विद्या। उसको जब हम समझ लेते हैं, समझ के फिर उसके लक्ष्य और उद्देश्य पे फिर हम जब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए जब हम समझ लेते हैं क्या है, तो फिर हमारे जीवन में धीरे धीरे देव पद्धति की हम बढ़ने लग जाते हैं। जब देव पद्धति को बढ़ने लग जाते हैं, तो हमारे जीवन में स्नेह तत्व बढ़ने लग जाता है। ठीक है, स्नेह तत्व, देव मानव। ठीक है, अब देव मानव कौन है? जैसे साई बाबा, साई बाबा बोलते कि साई स्नेह लिखा रहता है ना मंदिर में, साई स्नेह लिखा रहे, वहां लिखा तो है स्नेह, पर आदमी पकड़ नहीं पा रहा। वो आदमी तो आरती गाने गुणगान में लगा पड़ा है, ठीक है, उनकी उपासना में लगा पड़ा है, वो उसमें कुछ नहीं होगा। वहां पे जो शब्द लिखे हैं उसका बहुत गहन अध्ययन है। ठीक है, वहां पे लिखा है श्रद्धा सबूरी। ठीक है, तो देव पद्धति में क्या होता है, मानव स्नेह पूर्वक जीता है, स्नेह पूर्वक होके ही आपके जीवन में कृतज्ञता आती है हर मानव जाति जीव जंतु वनस्पति संसार के प्रति। जब मानव कृतज्ञता पूर्वक होता है, तो अहंकार मुक्त होके फिर वो जीता है, फिर वो सम्मान पूर्वक जीता, सबको सम्मान भी देता है और श्रद्धा पूर्वक जीता है, सब में श्रद्धा रहती है, क्योंकि उसने जान लिया पहले अस्तित्व क्या है, तो श्रद्धा पूर्वक जीता है। फिर वो फिर श्रद्धा पूर्वक जी के यही प्रयोजन है हर मानव जाति का। पर वो क्या होता है, वो भगवान को तो ऊपर लगा के उनका धंधा कर दिया जाता है ना, तो वो तो आरती पे अटेंड कर दिया आदमी, आरती वो अटेंड करता रहता है, जो समझना वो तो समझता ही नहीं, वो रटा जाता है, वो रटता रहता है वो, तो इसलिए वो समझ नहीं पाते मानो। ठीक है, तो इसलिए उनके मूल तत्व को समझना जरूरी है। मूल तत्व में जीना होता है पद्धति में जीना। ठीक है, तो देव पद्धति में जीना होता है, फिर देव पद्धति में जीते हुए फिर दिव्य पद्धति में और बढ़ना होता है। दिव्य पद्धति में होता क्या है कि जब मानो टॉप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, सुप्रीम हेड पर पहुंच जाता है, वहां पे उसमें प्रेम पूर्वक और विश्वास पूर्वक, क्योंकि उसमें प्रेम तत्व बढ़ जाता है, फिर विश्वास तत्व बढ़ जाता है जीते जीते अभ्यासकृत होते हुए, क्योंकि मानव का अभ्यास स्नेह पूर्वक होना चाहिए, कृतज्ञता पूर्वक होना चाहिए, सम्मान पूर्वक होना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। तो ये अभ्यास होता है, अपने अंदर में जो मनन चलता है, चिंतन चलता है, क्या वो श्रद्धा पूर्वक चल रहा है, ये देखो अपने आप में, क्या अपने आप में कृतज्ञता हो रही है आंतरिक में हर मानव जाति के प्रति, क्या हमारे आंतरिक में हर मानव जाति के प्रति श्रद्धा हो रही है, सम्मान हो रहा है, एक भी मानव एक भी प्रजाति के प्रति हमारा विरोध ना हो। ठीक है, तो फिर हम असली देव पद्धति में रहते हैं, देव पद्धति में होते हुए फिर हम दिव्य पद्धति की ओर बढ़ते हैं, और फिर वहां मानव में असली प्रेम बढ़ता है, जैसा अस्तित्व है वैसा हो जाना, वैसा विश्वास हो जाना अपने आप में, वैसा विस्तार हो जाना। ठीक है, विश्वास का अर्थ है पूरा विस्तार हो जाना जैसा अस्तित्व है,
और फिर वात्सल्य के स्वरूप में फिर विश्वास पूर्वक प्रेम पूर्वक समझाना, यही गुरु का काम होता है। ठीक है, तो देव पद्धति में दोस्त के समान जीता है आदमी, पर जो समझाना होता है वो गुरु के रूप में होता है, सदगुरु के रूप में होता है। और फिर वहाँ पे वो समझाता है कि अस्तित्व क्या है, जीवन क्या है, मानव क्या है, कैसे एकता पूर्वक जिया सकता है और कैसे अखंड समाज की ओर बढ़ाया जा सकता है, वो समझाता है। ठीक है, और यही होना है हर मानव जाति को। हर मानव जाति इसी के लिए पैदा हुई है, इसी के लिए पैदा हुई है। परंतु पूरी मानव जाति जा कहाँ रही है? वो तो जा रही है भैया, अब मानव मानव नहीं रहा, ह्यूमन ह्यूमन नहीं रहा, अब वो दानों की तरफ हो जा रही है। कहाँ हो रही है? मानव मानव नहीं बन रहा, दानों बन रहा है, वो डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, अब डिग्रेड कैसे हो रहा है? वो मायावी चीजों में फंसा जा रहा है, इल्यूजनरी चीजों में। उसमें जो भौतिक बात जो है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, और जो आप देख रहे हैं आदर्शवाद, ठीक है, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे, वहां पे उन लोग अपना लक्ष्य और उद्देश्य बना लेते हैं और फिर उसमें वो उलझ जाते हैं। ठीक है, अब जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी उसने लोग करियर बना रहे अपना, है ना, उनको सब कुछ बनना है, ठीक है, बड़ा आदमी बनना है, ठीक है, प्रोफेशनल बनना है, बहुत अच्छा प्रोफेशनल में बनो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है, उसमें उलझ के बैठ गए हैं। ठीक है, जॉब वाले ले लो या नौकरी वाले ले लो या फिर वो व्यापार वाले ले लो, बिजनेस वाले, ठीक है, ये सब उसमें ट्रैप में फंसे पड़े हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बनना है बड़ा आदमी। ठीक है, बड़ा आदमी बनने के लिए आदमी उलझता है, वो है दानव पद्धति। ठीक है, उसमें उलझ जाता है, किसमें? मायावी आदर्शवाद भौतिकवाद में फंस के रह जाता है, उद्देश्य लक्ष्य बना के फंस जाता है, उलझ जाता है। अब उलझ के क्या होता है? उलझ के पूरी मानव जाति में क्या हो रहा है, वो चले जाता है पशु पद्धति की ओर। पशु पद्धति में होता यह है कि वो अब फिर वो बैठ जाता है शिकायत करने, ठीक है, फिर वो निंदा करते रहेगा, पीठ पीछे चुगली करता रहेगा, टोंट मारता रहेगा एक दूसरे की, ठीक है, और फिर वो अभाय करते रहेगा, मेरे पास कमी है, और जमा करना, और जमा करना, और जमा करना, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, उसमें और चले जाएगा। और फिर वो क्या करता है? फिर उसमें भयभीत होता है, फिर उदास बैठा रहता है, जिंदा बैठा रहेगा उदास। ठीक है, अब फिर धीरे से फिर धीरे धीरे फिर वह चले जाता है राक्षस पद्धति की ओर। राक्षस पद्धति में होता यह है कि फिर वो प्रतियोगिता में उतर जाता है। प्रतियोगिता में उठते हुए जो राक्षस पद्धति में रहता है वो प्रतियोगिता में ही रहता है हमेशा, और वो हमेशा घृणा में ही रहता है। ठीक है, अहंकार में रहते हुए आदमी घृणा में रहेगा ही, और घृणा ईर्ष्या में रहते हुए वो क्या करेगा? वो सिर्फ झगड़ा करेगा, झगड़ा करते हुए दूसरे का फिर अपमान करता रहता है, और अपमान करते हुए फिर दूसरे को उलझाता है, दूसरे में टांग अड़ाएगा, और यही कर रहा है पूरी मानव जाति। पूरी मानव जाति हर घर में यही पूरा कार्यक्रम चल रहा है। तो देखो आप क्या सोचते हैं, क्या ये विकास है? क्या सोचते हैं आप, क्या विकास है ये? मानव को होना था मानवीयता से देव मानवीयता और देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता की ओर बढ़ना था, पर कहां जा रहा है? अभी अपना आईना भी देख लो, ठीक है ना, अब आईना भी देख लो पक्के में कि कहां पे हम और कहां पहुंचना है। इसलिए मानव भटक जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि क्या दिशा है, क्या दृष्टि है, क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य है, ठीक है, और क्या कला है, उसको पता ही नहीं, अब भटक रहा है वो। तो इसलिए हमको पहले मैप पता चल जाए कि हमको जाना कहाँ है, हर मानव को ये पता चल जाए, इसलिए ये चीज समझाई गई कि पूरी मानव जाति को कहाँ पहुंचना है, लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता की ओर बढ़ना, और सबसे पहले मानव बनना, मानव पद्धति में आना, ह्यूमन मेथड को फॉलोअप करना, और वो है समझना। ठीक है, और यही कार्यक्रम है हर मानव जाति का, यही कार्यक्रम। ठीक है, उसको उलझना नहीं है
जो व्यक्ति उलझ रहा है, जिंदा रह रहा है और उलझा रहा है, तो वो भ्रमित अवस्था में है। छोटी छोटी बात को लेकर उलझ जाता है, गुमसुम बैठा रहता है, शिकायत करता है, निंदा करता है, भाव करता रहता है। क्या चल क्या रहा है? यही तो चल रहा है, यही तो भ्रमित अवस्था है। आप देख लो अब अपने आप को, और हर मानव अपने आप को देख ले, और जो आप समझ लो अब हर मानव में क्या है, अब आप समझ सकते हो पूरी मानव जाति में चल क्या रहा है। बाहर से तो अच्छा दिख रहा आदमी, आदमी औरत अच्छी दिख रही बाहर से, पर अंदर क्या है? अंदर तो ये सब भरा पड़ा है। ठीक है, तो आप सच्चाई देखोगे तो फिर पूरा कचरा दिखेगा आपको। ठीक है, तो कुछ भी विकास हुआ नहीं है जो होना था। इतना पढ़ लिख के भी आदमी इलिटरेट रहा है, पढ़ लिख के भी अनपढ़ गवार जैसी हरकतें कर रहा है, बच्चा का बच्चा ही रहा है ना। आदमी बनना, मेरे को शेर बनना है। अरे तू मानो बन भाई, शेर क्यों बन रहा है ना? आदमी को दूसरे को गधा बना रहा है, उल्लू बना रहा है ना। व्यापार में क्या है, उल्लू बेवकूफ बनाना रहता है और गधा बनाना रहता है, तो ज्यादा पैसे कमा सकता है, है ना? कैसा होता है व्यापार, है ना? उल्लू बना के टोपी बना के, तो ये हो रहा है पूरा। पर होना क्या है पूरी मानव जाति, है ना? होना तो मानो ही है, पर मानो तो बना ही नहीं। अब वो तो दूसरे को उल्लू बनाने के चक्कर में शेर बन गया, बस शेर ही बनना है बस। ये आदमी ने उद्देश्य समझ लिया पशु पद्धति में, अब वो उसको वही बनना है, उसने उद्देश्य ही बना लिया दानव पद्धति में, इसमें भी पूरा लक्ष्य बना लिया उसने कि हमको शेर ही बनना है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मायावी जाल है जिसमें आदमी पूरा फंसा पड़ा है, और इससे मुक्त होने के लिए बहुत ही सरल तरीका है, वो है जागृति में आना। कितना भी उलझा हुआ आदमी है, वो सब सुलझ जाएगा। ठीक है, वो सब के सब खुल जाएगा। तो इसलिए अब अपने आप को यदि मानो सुखी करना चाहता है, अपने आप को मानो शांति में करना चाहता है, संतोष में करना चाहता है, आनंद में करना चाहता है, तो जागृत अवस्था की ओर बढ़ना होगा, मानवीयता दिव्य मानवीयता की ओर बढ़ना होगा। हाँ, और जो है नो अपने आप को दुखी करना चाहता है, अपने आप को परतंत्र करना चाहता है, अपने आप को अशांत करना चाहता है, अपने आप को असंतोष करना रखना चाहता है, अपने आप को मातम में रखना चाहता है, तो फिर उसी में पड़े रहो। किसमें? पूरी भ्रमित अवस्था में, दानों में, पशु में, राक्षसी बने रहो। तो ये अपने ये रियल स्टेटस देख लीजिए, ये सच्चाई है हर मानव जाति की। जब सच्चाई को देखा जाएगा तब जाके आदमी अपग्रेड होता है। तो ये अपना फर्स्ट रिव्यू देख लीजिए, समीक्षा देख लीजिए, ये पूरी सच्चाई है। तो इसलिए अब हर मानव जाति को अब असली लक्ष्य की ओर बढ़ना है, असली उद्देश्य की ओर बढ़ना है। जो काम हम कर रहे हैं या करते जा रहे थे मानव जाति, वो काम काम नहीं है, वो तो आदमी अपने आप को और खाई में डाल रहा है। तो ये पहले देख लो कि कहाँ पहुँच रहा है आदमी। तो इसलिए अब असली जागृति की ओर बढ़ें, चेतना जागृति की ओर बढ़ें, और अपने आप को मुक्त करें, अपने आप को शक्ति और शांति से युक्त करें। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।